नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्शन भजन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 11 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये मैच 16 जुलाई 2021 को नॉटिंघम स्टेडियम में खेला जाएगा। वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो राजपूत प्रेडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों अपनी लास्ट T20 सीरीज जीत कर आ रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है एन मॉर्गन, जेसन रॉय, जोस बटलर, जॉनी ब्रेस्टिटो, डेविड मिलान इनके बैट्समैन है, मोइन अली, लेविस ग्रोगरी, क्रिस जॉर्डन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, आदिल राशिद, साकिब महमूद, डेविड विले इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें दोस्तों इनके अपोनेंट टीम पाकिस्तान के बारे में, दोस्तों अपनी लास्ट सीरीज हार करा रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है बाबर अजम, इमाम उल हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, शोएब मकसूद इनके बैट्समैन है, शादाब खान, फहीम अशरफ इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, असन अली, साइन अफरीदी, अरस रूफ इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 17 मैच खेले गए, जिनमें से इंग्लैंड ने 12 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं। दोस्तों इंग्लैंड का 199 रन का हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का 195 रन का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों इंग्लैंड का 90 रन का लोएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान का 89 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों इंग्लैंड ने 12 में से 6 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि 6 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं, और दोस्तों पाकिस्तान ने 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि 3 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैचों को पाकिस्तान ने जीते, जबकि 3 मैच को इंग्लैंड ने जीते हैं, और दोस्तों इंग्लैंड अपने लास्ट 5 मैचों में से 3 में जीत करा रही है, जबकि 2 मैच में ये हार करा रहे हैं, और दोस्तों पाकिस्तान अपने लास्ट 5 मैचों में से 4 में ये जीत करा रहे हैं, जबकि 1 मैच में ये हार कर आ रहे हैं। दोस्तों ये मैच नॉटिंघम स्टेडियम में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 11 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं। दोस्तों यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 198 रन है और दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर 110 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 5 बार, 150 से 169 के बीच में 2 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 2 बार स्कोर गया है, जबकि दोस्तों 190 प्लस ओनली यहाँ पर 2 बार ही स्कोर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मीडियम साइज का ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पर मीडियम साइज का एवरेज स्कोर है। दोस्तों यहाँ का एवरेज स्कोर 154 रन है। दोस्तों हम इन दोनों टीमों का लास्ट 2 ईयर के स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट 2 ईयर में इंग्लैंड ने 25 मैच खेले, जिनमें से 15 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने 27 मैच खेले, जिनमें से 14 मैचों में जीत दर्ज किया। दोस्तों आज की ड्रीम 11 टीम हमारी ये होने वाली है। अगर दोस्तों इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तो आपको पता है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ। साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको देता रहता हूँ, और दोस्तों वहाँ पर मैं IPL, PSL, T20 ब्लास्ट और बिग बैश लीग से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आती है, साथ में दोस्तों TNPL से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आती है, मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। वैसे भी दोस्तों वहाँ पर मैं प्रत्येक मैच के ठोस होने के बाद में ड्रीम 11 टीम देता हूँ, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों इस ड्रीम 11 टीम में भी अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा, अगर दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही बताऊंगा। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार, इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों पाकिस्तान क्लीन स्वीप होकर आ रही है ODI सीरीज से, जो कि दोस्तों इंग्लैंड की बी टीम ने किया था, और दोस्तों पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंग्लैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया है। दोस्तों अब इंग्लैंड की मेन टीम खेलने वाली है, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर टीम तो जबरदस्त है और दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और दोस्तों इंग्लैंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है T20 में और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है T20 में, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी लो है और साथ में दोस्तों इंग्लैंड का घरेलू मैदान भी है। दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को 50-50% दोनों ही टीमें जीत रही है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को इंग्लैंड जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने राजपूत प्रिडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।